ना कि ईडी का छापा पड़ा हुआ है। ईडी का छापा पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो गोरखपुर में भी ईडी के जो साहब है वो आ गए छापा डालने के लिए, जैसे कि उम्मीद थी। और भारतीय जनता पार्टी से तो हमेशा ही उम्मीद होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जो शामिल नहीं होंगे, उन पर ईडी का छापा पड़ेगा। आज हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय माननीय विनय शंकर तिवारी जी के आवास पर ईडी का छापा पड़ा, जो स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के सुपुत्र पूर्व विधायक जी और ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं, वरिष्ठ नेता, ब्राह्मण समाज में एक दमदारी से एक पहचान उनकी है, उन पर ईडी ने छापा मारा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकदम से डरी हुई है। इन्हें डर सता रहा है कि लोकसभा की सारी सीटें हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमें इस सरकार की सीट से, करीमामयी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिएगा। और एक सवाल मेरी जनता हमेशा ही पूछने का काम करेगी कि नौसर से लेकर जो बनारस वाला जो रोड बन रहा है, मात्र 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इस सरकार ने कहा था कि हम 3 साल में ये रोड पूरा करेंगे। 1 साल 2 साल 3 4 5 6 7 8 9 10 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, ये रोड अभी तक नहीं बना है। कौन घोटाला कर रहा है? वहाँ तो ईडी के साहब जाकर गाड़ी अंदर जाने ईडी की। आप देखेंगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं और बड़ी बड़ी कॉलेज बन रही है, कहाँ से आ रहा इतना पैसा, कहाँ से आ रहा इतना पैसा, इसकी जांच तो ईडी के साहब नहीं करेंगे, जो छापेमारी करते हैं लगातार विपक्ष पर उनको दबाने के लिए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, गोरखपुर के बाहर जो लोग रहते हैं, जो बाहर के राज्य है ना, वो ये सोचते हैं कि गोरखपुर बाबा जी का गढ़ है, चारों तरफ जो है विकास हुआ होगा, यहाँ सबका साथ सबका विकास चल रहा होगा और गोरखपुर पूरा चकाचक बन गया होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गोरखपुर से आजमगढ़ तक का मात्र 90 किलोमीटर का जो मात्र 90 किलोमीटर का जो रोड है वो 6000 करोड़ में बन रहा है। देखिए वहाँ दिखा दीजिएगा,